वागा रिट्रीट सैरामनी के उत्ते एक लड़की जिहड़ी है लुट का शिकार हुई सी ते उस तो बाद उसकी मौत हो गई सी। दरअसल लुटेरिया वालों उसका पर्स खिंचया गया सी ते इस तरीके ना पर्स खिंचया गया कि वह जमीन पर डिगी ते उस तो बाद उसने अपनी जान गवाती। उस तो बाद इस मामले दे विच एक दोषी नूं काबू किया गया है जिसके पासों गंगा का मोबाइल फोन अते उसके पासों जरा परस है वह बरामद किया गया। इस परस नूं लुट्टन की खातिर इसने जरा है कि एक युवती नूं मौत की नींद सुला दिता सी। परस की तस्वीर तुहानूं सांझी कर रहे हैं, यह गंगा का परस है जो कि गंगा लैके ऑटो दे विच सवार होके अमृतसर नूं वापस आ रही सी। जिस वेले ओ इस नौजवान ने बड़ी ही बेरहमी दे नाल उसनूं खिंचया, पर जिसले उसनूं खिंच पाई तो अचानक वह जमीन पर डिग पैंदी है। तो जमीन पर डिगण तो बाद उसका सिर वजदा है जिसके कारण वह इस दुनिया च नहीं रही। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं। उस तो बाद यह पर्स तुसीं देखो, एक छोटा जिहा एक पर्स की एक इंसान की जिंदगी खत्म कर सकता है, उसकी एक जिंदा मिसाल है ये पर्स। इस पर्स करके ही जो इस पर्स जरा है ऑटो तो बाहर से तो अचानक उसने वेख्या कि पर्स ऑटो तो बाहर है। तो उस तो बाद उसने इस तू अपना शिकार बनाया तो उस तो बाद उतों भज गया। तो इस पर्स के मोबाइल फोन भी जरा इस वेले अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, वह मोबाइल फोन भी उस लड़की का सी। तो इस मोबाइल फोन में इसने जरा है निशाना बनाया तो उस तो बाद दोनों लुट के फरार हो गया। लेकिन जिस तरीके ना जिस क्रुएलिटी के नाल इस खिंचया गया सी उसके कारण वो लड़की जिहड़ी है इस दुनिया च नहीं रही। तो ये एक मंदभागी घटना सी जिसकी आलोचना पूरे देश भर के हो रही थी, क्योंकि सैलानी एक रिट्रीट देखने वास्ते आते और सब तो वड्डी गल है कि कोई स्टूडेंट सी जिहड़ी है लॉ दी स्टूडेंट सी, तो उसनू जरा है इस लुटेरे वालों अपना निशाना बनाया गया सी। दो ही सर कीते, दो इहनू किवें मारिया सी तू? मैं नहीं मारिया सर जी, छाला आयो नहीं पकड़ा नहीं गया। वो कीती इहदे नाल? हाँ जी उन्हें की थी, मैं बाइक चला रहा था। अच्छा, हाँ जी। तो तू की करदा की है? मैं दिहाड़ी जाना सर। तुहानू शर्म नहीं आई है काम करदे? हाँ जी सर। शर्म ना कट्टा अंजाम दिता है। उसका एक साथी फिलहाल हाले पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। तो फिलहाल इस वड्डी घटना पुलिस ने सुलझा लैन का दावा किया है। तो दोषी जने ने काबू किए गए हैं और जानने की कहना पुलिस के अधिकारियों का। यह मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल से क्योंकि सैलानियों की सुरक्षा का मामला सी। तो इस मामले के पुलिस को सफलता मिली है। तो साढ़े नाल प्रवेश चोपड़ा जी मौजूद ने। सर की होया सी ते की कार्रवाई मजल लिया? 3 फरवरी जो रिट्रीट सैरामनी खत्म हुई उत्थे गंगा नाम की लड़की अपने दोस्त उन्होंने गए थे देखने वास्ते। जो वापसी से ऑटो च बैठ के अमृतसर आ रहे थे तो जो 3 किलोमीटर हाले क्रॉस किया उत्थे दो लड़के मोटरसाइकिल सवार सीगे स्नैचर्स, उन्होंने लड़की का बैग खोने की कोशिश की थी। जो लड़की ने रिटेलीएट किया तो इन्हें इन बिटवीन लड़की जी सड़क पर गिर गई मुँह के बल, लड़की हॉस्पिटल लैके गए तो हॉस्पिटल जाके उसकी डैथ हो गई। जो इस संबंधी मुकदमा दर्ज किया गया तो SSP साहब वालों मेरी ड्यूटी लगाई गई कि भी परसनल तौर पर इस टीम गठित करके तो ये हर हालत ट्रेस किया जाए। जो उस इलाके CCTV कैमराज वगैरह खंगालने की कोशिश की, लेकिन आप जी को पता है कि काफ़ी चौड़ी सड़क है तो CCTV कैमराज वगैरह जो दुकानों पर लगे कवर नहीं करते थे। पर बड़ी मेहनत के बाद असी ह्यूमन इंटैलीजेंस नाल काम करके सोर्स वगैरह लगा के इस मुकदमे को ट्रेस किया, जिद शमशेर सिंह नाम का व्यक्ति जिहड़ा नारायणगढ़ का रहने वाला तो वह बंदा गिरफ्तार किया। जिस पासों असी परस मोबाइल लड़की का परस वगैरह बरामद कर लिया, तो जिहड़ा एक होर लड़का है दूसरा वो भाल जा रही है, असी उन्हें जल्द तो जल्द गिरफ्तार करके असी कोर्ट च पेश करांगे। मैं आप जी के माध्यम तों यह दसना चाहुंदा कि असी यह जिहड़ी पूरी रोड है GT रोड अमृतसर जी पैंदी है अटारी तो लैके अमृतसर तक, उन्होंने 3 हिस्से च वंड के 3 पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई। इस तो अलावा 2 नाके लगाए गए हैं जो माननीय SSP साहब ने सानू हदायत की थी कि जिहड़े सैलानी बाहरों आते हैं उन्होंने असी सुरक्षित तरीके इस इलाके दे विचों आना और जाना असी यकीनी बनावांगे। पर सर ये लड़की करती की सी जिहड़ी हैगी सी? ये बच्चा पढ़ता सीगा गंगा लड़की नाम की लड़की पढ़ती सी ते अपने दोस्त नाल इत्थे घूमन आए सीगे, ऑटो दे विच बैठ के वापस जा रहे जिस नाल जिथे आ घटना वापरी। सर ये की मामला दर्ज किया गया? ये 379B और 304 IPC का मामला दर्ज किया गया। कतल की धारा क्यों नहीं ऐड की? कतल की 304 जो पढ़ो तो कतल की धारा ही है। दिस इज कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड। किसी इंसान वालों कोई ऐसा एक्ट किया जाए
जिस ना उन्हें पता हो कि किसान कोई नुकसान जानी नुकसान हो सकता वो 304 धारा लगती है। सर ये जरा है इन्होंने वारदात की पिछा किया कि इस लड़की उन्होंने टारगेट किया। देखो ऑटो जो चलिया उतो लड़की का दोनों दोस्त बैठे से ऑटो चलिया थोड़े ना बैग वह बहर से इन्ह दो लड़किया ने उन्होंने फॉलो किया लड़की ऑटो में फॉलो किया फॉलो करके तो फिर वो बैग में खिंचया 3 किलोमीटर फॉलो करके बैग में खिंचया जिस करके आ वारदात हुई। सर अक्सर चोरी की वारदात करते देखो हाँ एक मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है जिस जो मुंडा पकड़िया दो वारदात मने ने कि मैं वारदात दो कीती हैं इस तो अलावा जो दूसरा बंदा है उन्होंने जो अरैसट करा फिर सारी गल क्लीयर बॉर्डर से ही वारदात करते हाँ बॉर्डर इलाके जो अमृतसर लोग आते फिर उत्थे वारदात करते वारदातों को अंजाम दिता फिलहाल तो दो वारदात जी है अंजाम दिता वही बंद पकड़ लिया दस जा रहा मोटरसाइकिल जी हाँ मोटरसाइकिल से सके कि मंदभागी घटना है। देखो जी मैं तो समझना बहुत मंदभागी घटना इहो जिहा परमात्मा ना करे किसी नाल होवे लोग अपने खुशियां मानने वास्ते इलाके नू या टूरिज़म करते ने उहदे नाल लड़की नाल मतभागा होया जिहड़ा कि बहुत दिल नू रुंदर वाली घटना सी। इस संबंध में माननीय DGP साहब ने SSP साहब ने बड़ा करा निर्देश दिए थे कि हर हालत इन्हों पकड़िया जाए तो फरदर भी इन्हों यहो जहाँ काम किया जाए ताकि लोग यह जी घटना करने तो बाज आए। भविख के सिक्योरिटी किस तरीके वधाई जा सकती है अगर इस तरह की घटनावां नूं रोकना घटना हुई उस तो दिन तो बाद भी SSP साहब ने बिल्कुल उस इलाके असी 3 पेट्रोलिंग पार्टी कवर किया इस तो अलावा 2 नाके लगवाए गए ताकि लोगों असी दस सकी कि पुलिस पार्टी जी यूनिफॉर्म के असी इतने है ताकि कोई यह घटना ना हो बिल्कुल होर वधाई जाएगी। सिक्योरिटी और वधाने की गल की जा रही है तो यह जरा मसला से एक बहुत बड़ा मसला से कि एक टूरिस्ट जो कि वाघा रिट्रीट सैरामनी वेखन वास्ते पुजी सी तो उस तो बाद एक लुट का शिकार होंगी है तो उस तो बाद जो लुट का शिकार होंगी तो वह सर जमीन पर वजदा है तो उस तो बाद अपनी जान गवा बैंदी है तो उस तो बाद बहुत सारा मसला पकिया सी तो उस तो बाद DGP लैवल तकन भी इसकी जी है आवाज़ गई तो उस तो बाद इस मामले को हल करदे पुलिस ने एक दोषी को काबू किया लेकिन दूजे दोषी की भाल हले जारी है तो पुलिस का कहना है कि लगातार वारदातों को अंजाम देते सन इस 3 दिन भी उन्होंने वारदात को अंजाम दिता तो लड़की जी है हूँ इस वेले इस दुनिया च नहीं है पर दोषी गिरफ़्तार कर लिया गया है देखना होगा दे बाकी साथी की राज उगलते हैं लेकिन वड्डा मामला कितना कितना पुलिस वालों हल हों नज़र आ रहा है। कैमरामैन अजय सुमित खन्ना ग्रेट पंजाब TV अमृतसर।